Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी को करेंगे बहुत ज्यादा enjoy. आज का ये vlog मैं शुरू कर रही हूँ एक दुख से यार. मुझे मतलब सुबह सुबह एक दुख ही बात है. मतलब पता नहीं रात को मेरे एसी को क्या हुआ था कि मैं रात को बेडरूम में आई और मेरे एसी ने मुझे दे दिया धोखा. मैं बेडरूम में आके जब देखा कि कूलिंग ही नहीं हुई, उल्टा इतनी हब्स हो गई है, ये क्या हुआ है. मैंने जब उसको देखा तो वो तो कूलिंग कर ही नहीं रहा था, गर्म हवा फेंक रहा था. मैंने कहा लो जी इसको भी गर्मी लग रही है और ये भी गुस्से में गर्म हवा फेंक रहा है इस टाइम. तो ऐसे मैंने सोचा था कि जो भी है दिन में मैं उठ के करूँगी. अभी तो रात को इतनी नींद आई हुई थी, मेरा इतना बुरा हाल था क्योंकि आजकल मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं डेकोर कर रही, कुछ चीज़ें कर रही हूँ, तो उस वजह से मैं इतनी थकी थी. जब तक वो मजदूरों की तरह मैं रात को थक के सोते नहीं और खराटे नहीं मारते, मज़ा ही नहीं आता यार. मतलब उस नींद का मज़ा आता है मुझे जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, वरना वो जो मेरी एक नींद कभी भी गहरी नींद नहीं सो पाती. मुझे हर छोटी से छोटी आवाज़, हर छोटी से छोटी चीज़ का पता होता है लेकिन मैं सो रही हूँ, मैं कभी डीप स्लीप में नहीं गई. तो कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत मज़े की नींद आती है, तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी होती है यार आज सोई थी मैं. तो वो वाली कल रात थी कि जिस दिन मैं थक के इतनी बुरी तरह सोई थी, तो इसलिए मैंने अपने रूम की और एसी की परवाह नहीं की. मैंने कहा ठीक है जो भी है ना तुझे सुबह ही देखूँगी, अभी जो करना कर ले. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस जनाब को दोबारा से सारा साफ़ किया है, जिसको कहते हैं कि एसी की सर्विस करना. तो मैंने एसी की सर्विस किया. वैसे अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, एसी की सर्विस भी आती है मुझे. मजाक था, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी. तो ये मैंने वैसे ही अपने लिए सीखी हुई है चीज़ कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप खुद भी अपने काम कर सकें. तो एसी की सर्विस की है, विंडो साफ़ की है, सब कुछ किया है, और उसके बाद एसी चलाया तो मैं हैरान हूँ कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है. वो गंदा भी नहीं था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, तकरीबन महीना पहले इसकी सर्विस हुई है, गंदा भी नहीं था, फिल्टर भी इतने गंदे नहीं थे. तो पता नहीं क्यों रात को ये बेचारा नाराज़ हो गया मुझसे कि मैं नहीं चलता, मेरा मूड नहीं है. तो अभी चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक. खैर इससे मेरा मूड भी अच्छा हो गया. मैंने कहा चलो इसी अच्छे मूड के साथ ब्लॉग भी बना लेते हैं. तो आज का ब्लॉग मुझे नहीं पता आज क्या करने वाली हूँ. आज का मुझे पता नहीं होता वैसे क्या करना क्या नहीं करना. तो डेली की जो रूटीन होगी मैं आप लोगों से शायद शेयर करती जाऊँगी. और आज मम्मा ने मुझे कहा था कि तुमने किचन में नहीं आना. ऐसा कैसे हो सकता है? तो मम्मा ने मुझे कहा किचन में नहीं आना क्योंकि वो कुछ बना रही है. वो बना रही है चिकन बिरयानी, जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मम्मा चिकन बिरयानी कैसे बना रही हूँ. कि आजकल तो मुझे ये भी दौरा पड़ा हुआ है कि किसी के पास यार ऑथेंटिक अगर कराची बिरयानी की रेसिपी है तो मुझे यार ज़रूर शेयर कर दो. तो मम्मा जो भी मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें बना के देती हूँ, वो वाली ट्राई करके मुझे बता के कैसी है. तो आज मम्मा ने बनानी है. तो अभी जाते नीचे किचन में और देखते हैं कि मम्मा क्या करें. अगर इसके अलावा भी कुछ हुआ तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या चल रहा है. तो अभी फिलहाल तो मैं जाती हूँ मम्मा के पास नीचे किचन में उनको तंग करने और व्लॉग बनाती हूँ उनके साथ, अगर तुम उनको ठीक लगा आना तो. वरना ठीक है नीचे जाते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं. और अब यहाँ और ये बिरयानी की तैयारी, आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे. सबसे पहले मम्मा ने चावलों को बॉईल करने के लिए इसके अंदर तसा रखा था, उसमें ये सारे जो ज़ीरा और सारा कुछ तेज पत्ता कहते हैं जो भी कहते हैं वाइट करके चावल डाले थे. उसके बाद आपको पता है प्याज ही होता है, जबकि कोरमा बनता कुछ भी होता है सबसे पहले प्याज ही ब्राउन किया जाता है, उसके बाद आप डालते हैं टमाटर. अब इस टाइम आप टमाटर और मसाला अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप ज़्यादा भी बना सकते हो. पर साथ ही हरी मिर्चें और चीज़ें सारी इसके अंदर चली गई थी जो कि ये हैं, ये सारी चीज़ें मम्मा ने ऐड कर दी थी और इसको अच्छे से बना दिया था. और साथ ही इसके अंदर चले गए थे आलू, जो कि मुझे बिरयानी में पता नहीं क्यों बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बिरयानी लवर्स को पसंद होते हैं तो खैर कोई बात नहीं. इसके बाद इसमें चिकन चला गया, इसको अच्छे से भूनना है. या मम्मा ने फूड कलर का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से इतने ही मज़े का रंग आ रहा है. और जो चावल बॉयल किए थे वो भी इसके ऊपर रख दिया. अब इसको दम देंगे और दम दे के जब इसको निकालेंगे तो फ्रेश फ्रेश इतनी मज़े की बिरयानी बनेगी कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. आप लोगों ने इसको ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है. देख लें आप कितनी मज़े की बनी है. तो आज मुझे लगता है इतना काफ़ी है. आज के व्लॉग में यही एंड करती हूँ. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा. आपने करना है मेरी वीडियो का लाइक, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और इसको शेयर करना उन लोगों के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की बिरयानी खाना पसंद करते हैं. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.